एंड को ऊपर करूँगा, चेक करो करूँगा तो अपना आप गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। हैंडीकैम्प जो लोग होते हैं उनके लिए किस तरीके की कार होती है, साथ में हैंडीकैम्प जो अगर गाड़ी खरीदते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है? तो भाई साहब ने अभी गाड़ी ली है 2-4 दिन पहले, तो पूरी प्रोसेस जानते हैं और क्या कितना फ़ायदा हुआ वो सारी चीज़ें बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? दयानंद। दयानंद जी, कौन सी गाड़ी ली आपने? हुंडई की वेन्यू। वेन्यू पेट्रोल के अंदर? पेट्रोल के अंदर। तो ये देख सकते हैं इनकी जो गाड़ी, दिखा देता हूँ सबसे पहले, कोई इसके अंदर कोई चेंजेज नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी, सेम टू सेम एकदम नई है। जो चीज़ें चेंज करी गई वो अंदर ही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर ये जो लोहे की राड है ना वो किस तरीके से फिट करी गई है। तो ये देख सकते हैं आप इसके ऊपर, और ये दोनों साइड है ना ये लगाई गई है किस तरीके से, एक बार आप दबा के देखो। जैसे ये नीचे ब्रेक हो गया, ये ब्रेक दबा दिया, ऊपर रेस हो गई, ऊपर करेंगे तो ये रेस लग रही है। तो इस तरीके से ये वर्किंग करेगी, तो ये बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं और ये गाड़ी किस तरीके से चलती है और वो हम आपको चेक करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, चलो भाई साहब चेक करो किस तरीके से ये चलेगी। इसका क्लच लिया और ब्रेक लेता हूँ। हाँ, स्टार्ट स्टार्ट हो गई गाड़ी। स्टार्ट होने के बाद में जैसे आपका ये हैंडल किस तरीके से वर्किंग, हैंड ब्रेक को हटा दिया मैंने ऐसे। अच्छा, ये हैंड ब्रेक हटा दिया, हटा दिया। हाँ हाँ। अब ये ब्रेक का हाथ का सिस्टम है। अच्छा, इसको ये नीचे कर दिया, नीचे ब्रेक है, ब्रेक है। हाँ हाँ। कर दिया इसको, फिर अब मैंने इसको क्लच दबा दिया पैर से। अच्छा, पैर से क्लच दबा दिया। हाँ ठीक है, दबा दिया, गियर डाल दिया। अभी रेस की जरूरत पड़ेगी, अब रेस की जरूरत पड़ेगी तो आप आगे करोगे। गियर डाल दिया, इस ब्रेक को छोड़ के इस रेस हैंड को ऊपर करूंगा, धीरे करूंगा तो अपना आप गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा साधन है, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज है। जो मतलब कोई इसमें जोर नहीं है, सीखने की ज्यादा कला नहीं है, आराम से आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कहीं तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। हाँ अच्छा, जिसको जो गाड़ी, जिसके दोनों पैर खराब हैं तो वो आराम से तीनों सिस्टम लग जाते हैं, जरूरत नहीं है मैनुअल गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है, ये मैनुअल गाड़ी है, इनको आराम से चला सकते। अच्छा, इसके अंदर आप मैनुअल भी चला सकते हो और ऑटोमेटिक भी है, दोनों में ऐसा तो कुछ नहीं है कि आरटीओ वाले वाले ऑटोमेटिक लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई शिफ्ट चला सकते हैं। जैसे अभी गाड़ी चल रही है और ये जो रेस दे रहे हैं इससे हाथ से स्पीड कम ज्यादा करनी हो तो उसके हिसाब से फोर्स रहेगा, करनी हो तो इसको नीचे कर देंगे। अच्छा, रुक जाएगी, क्लच ले लेंगे तो बिल्कुल रोक नहीं चाहिए। अच्छा, ये है, चलो अभी आप दोबारा, हां चलो वापस इसको लिया, ऐसे भी नहीं है और ये के बेनिफिट भी हो जाएगा अच्छा खासा। आपको कितना बेनिफिट हुआ था इस गाड़ी के अंदर? लगभग 8,90,000 रुपया कोटेशन था, उसमें मेरे को 8 लाख रुपए तो देने पड़े, 90,000 रुपये तो वो प्रॉफिट हो गया। अच्छा, और 1,03,000 रुपया आरटीओ के सारे छूट हो गए। अच्छा, उसमें कुछ नहीं लगा, और 54,000 की वो थी इंश्योरेंस, तो 29,000 रुपये इंश्योरेंस के लिए। लगभग आपके कितने टोटल कितने बच गए ओवरऑल? लगभग 2 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास और ये बच गए हैं। तो ये प्रोसेस है, हर एक चीज तो होगी, आपको ये पता कैसे चला कि ये बेनिफिट भी है? 2016 के मैं मोदी बनने के बाद में मोदी ने इनको रिपीट दी, ये विकलांग भाइयों के लिए, तो प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ में उनको आवेदन करने के लिए कोई भी वाहन ले उस वाहन में उनको जीएसटी की 10% छूट दी जाएगी। और जो पुराने आरटीओ वाली पहले ही थी? आरटीओ वाली तो पहले से थी, पहले से थी, तो कोई दिक्कत। और एक चीज बताइए कि सभी को इसका नॉलेज है क्या, जितने विकलांग भाई है सभी को? सबको नहीं है, पता नहीं है, पूछते हैं लोग तो उनको मैं बताता हूँ और सारी प्रक्रिया देता हूँ, और मेरे पास इनके डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो मेरे पास जीएसटी छूट का लेटर आया उस लेटर की मैं फोटोकॉपी वगैरह देता रहता हूँ। मेरा लेफ्ट पैर काम कर रहा है तो इसके क्लच मेरे पैर में है। अच्छा, ये आप दिखाओ, ये क्लच है। हाँ। और ये ऊपर करते हैं तो रेस है, नीचे करते हैं तो ब्रेक है। और आपके जो राइट पैर है ये काम नहीं करता? ये नहीं काम करता, ये करता। तो अब ये चीज बताइए कि इससे आप ब्रेक है। हाँ। और जो रेस है वो किस तरीके से लगा पाओगे? तो इसको हैंडल है, इस हैंडल को हैंडल है ये, इसको ऊपर करता हूँ। हाँ। तब तो रेस होती है। अच्छा, और इसको जैसे नीचे करता हूँ तब इसका ब्रेक लगता है। मान लो कि किसी का जो आपका लेफ्ट साइड है, किसी का जो पैर है वो ये वाला हो लेफ्ट साइड, तो वो उसमें लग जाएगा, कोई उस साइड में लग जाएगा, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसमें दोनों तीनों चीज लग जाती है एक साथ, पैर दोनों पलाथी मार के बैठ सकते हैं आप। अच्छा, अगर किसी के तीनों पैर भी वर्किंग, दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, पलाथी मार की सीट पे बैठ जाओ, दोनों सारे सिस्टम हाथ में होंगे। और एक चीज बताइए, इसमें चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये लोहे का बना हुआ है क्या? ये लोहे का बना है, आरटीओ अप्रूव्ड है। आरटीओ अप्रूव्ड है, कहाँ से बनवाया था आपने? जयपुर से। जयपुर से। अरे, कितना खर्चा लगा इसका? ये 20,000 के आसपास। और इसके अंदर ऐसा भी है क्या, कोई कम ज्यादा का भी ऑप्शन होता है?
रेट का, रेट कहाँ, रेट तो इसकी तो फिक्स ही है, ये तो आरटी अप्रूव्ड है, इनका तो लगना ही है ये 20,000। इसका ये आपके खुद के लगेंगे ये तो ये बताओ कि कितना फायदा होता है अगर हैंडीकैम कोटे से आप लेते हो तो? हैंडीकैम कोटे से लेते हैं लगभग 2.5 लाख के आसपास होता है। जैसे फर्स्ट जैसे आपने 8 लाख की गाड़ी सेल करते हैं तो मतलब 2.25 लाख, 2 लाख से ऊपर ही मान के चलो। और किस किस चीज में और कितना बेनिफिट होता है? जैसे मैंने सुना है कि जीएसटी भी आरटीओ फ्री है, आरटीओ में 1 रुपया नहीं लगता, आरटीओ में 1 रुपया नहीं लगता। हाँ हाँ। और उसके अलावा इंश्योरेंस में 50% लगता है, 50% इंश्योरेंस का है। और उसके अलावा जीएसटी 28% लगती है, तो विकलांग कोटे में लेते हैं तो हमारा जीएसटी लगती है मात्र 18%। अगर इसमें डिसेबिलिटी का भी कुछ है क्या, कि कोई कम हो तो उसको ये डिसेबिलिटी, उसका विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये UDI कार्ड, मतलब डिसेबिलिटी कार्ड होना चाहिए। कितनी परसेंट होनी चाहिए डिसेबिलिटी? 40% से अबव, 40% से अगर अबव होती है तो जीएसटी में रिबेट मिलती है, अदरवाइज ये आरटीओ और इंश्योरेंस सब सब में मिलती है। और इंश्योरेंस वाली, इंश्योरेंस वाली भी मिलती है। मान लो कि कोई के किसी के 20% डिसेबिलिटी है तो उस दौरान उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? उसको इन्हें विकलांग की कम मात्रा मिलेगी और आरटीओ तो फ्री है। आरटीओ और जो जीएसटी वाला है वो उसमें उसके अंदर अलग, उसमें 40 अलाउ नीचे मानते हैं नीचे। और इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस में इंश्योरेंस में भी नहीं मिलेगा। अब एक चीज़ बताइए कि अगर किसी को ये बेनिफिट लेना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप उनको अपने क्षेत्र जो किसी जहाँ लगता है नज़दीक उससे अपना विकलांग सर्टिफिकेट बनवाओ, फिर उसको ऑनलाइन कराओ, फिर वो ऑनलाइन होने के बाद UDI कार्ड बन के आ जाएगा आपका ऑनलाइन, और वो दोनों लगा के फिर हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है उसमें ई मित्र पर या अपने मोबाइल में ऑनलाइन आवेदन कर दो, जो डॉक्यूमेंट्स मांगता है वो उनके साथ लगा दो, उसमें UDI कार्ड मांगता है और आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक की कॉपी है, और जिस एजेंसी ले रहे हैं उस एजेंसी का एड्रेस मांगता है, ईमेल, और RTO का नज़दीक है उस RTO का ईमेल मांगता है, एड्रेस मांगता है, और लेने वाले की ईमेल आईडी। और कितने दिन की प्रोसेस रहती है ये प्रोसेस? जैसे आज अपन ने आवेदन किया तो लगभग 25 से 1 महीने के अंदर हो जाता है, 25 बन के आ जाता है, आपके ईमेल पर आ जाएगा, वो आप ईमित्र पर कटा लेना, और एजेंसी में भी आ जाएगा, RTO ऑफिस में भी ईमेल पर चला जाएगा। कोई परेशानी भी होती है या फिर इजी हो जाता है काम? बहुत इजी होता है, कोई उसमें जैक्स है कुछ 10 पैसे नहीं लगते ऑनलाइन कराने में, कोई ई मित्र पर 40-50 रुपये आपके आवेदन में लगते हैं, 40-50 रुपये। उसके अलावा जैसे आप टैक्स में आप बता रहे हो, जैसे रोड टैक्स वगैरह भी लगता है क्या? नहीं, रोड टैक्स कुछ नहीं लगता है, और जीरो है वो। कितने साल तक है वो? जब तक लाइफ टाइम मैं चलाऊंगा उतने मेरे नाम लगा दीजिए। अच्छा, आप आपके और नाम उसमें रहे? दूसरा फास्टैग भी लगता है, फास्टैग लगता वो भी फ्री है। उसके अलावा उसके लिए आवेदन करना, इसके अंदर कोई प्राइस का भी है क्या कि इतने रुपए तक की आप गाड़ी ले सकते हो? हाँ, तो आपको 8 लाख रुपए तक की, 8 लाख रुपए शोरूम प्राइस। हाँ, अगर 8 लाख रुपए शोरूम प्राइस तक आप ये लेते हो तो छूट मिलेगी, छूट मिलेगी। अगर अबव जाते हैं तो उस दौरान क्या होगा? उसके दौरान उससे ऊपर जाती है तो वो फिर RTO वाले जीएसटी में तो छूट मिल जाएगी, जीएसटी मिल जाएगी, लेकिन RTO में अप्रूव कराने में RTO को अनुमति में अप्रूव नहीं हो पाएगी, फिर अप्रूव नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, ये सारी प्रोसेस रहती है। उसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी, इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी रहती है तो वैसे आप कमेंट करके जान सकते हैं और आपको रिप्लाई हम जरूर देंगे।